आईपीएल 2022 ऑक्शन लिस्ट में नाम आने पर भावुक हुए श्रीसंत। अड़तीस साल के भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की किस्मत खुल गई है। आईपीएल 2022 की नीलामी में 590 शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में श्रीसंत का नाम भी शामिल है। उम्र में इस पड़ाव और लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद नीलामी में नाम आना इस तेज गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एस श्रीसंत ने लिस्ट में अपना नाम आने के बाद खुशी भी जताई। श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बीसीसीआई, केरला क्रिकेट एसोसिएशन और आईपीएल को टैग करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके अलावा श्रीसंत ने सभी फैंस का धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका साथ दिया। श्रीसंत ने अपने पोस्ट में लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप में से हर एक के प्यार के लिए आभारी रहूंगा। कृपया मुझे अंतिम नीलामी के लिए भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। ओम नमः शिवाय। मालूम होगा कि इस मेगा ऑक्शन में कुल 370 भारतीय खिलाड़ी और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। श्रीसंत ने 50 लाख रुपए की रखी है बेस प्राइस। आईपीएल के इस मेगा ऑक्शन में श्रीसंत ने अपनी बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखी है। मतलब अगर किसी टीम को उन्हें अपनी स्क्वाड में शामिल करना है तो कम से कम 50 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि इससे पहले पिछले सीजन में जब उन्होंने अपनी बेस प्राइस 75 लाख रुपए रखी थी तब किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था। श्रीसंत पर लगा था आजीवन प्रतिबंध। आईपीएल 2013 में कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में इस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में उन पर लगे प्रतिबंध को घटाकर 7 साल कर दिया था। बैन पूरा होने के बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की और केरला के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीसंत का रिकॉर्ड आईपीएल में अब तक अगर श्रीसंत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पाएंगे ये कुछ खास नहीं है। श्रीसंत ने अब तक कुल 44 आईपीएल मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 29.9 की औसत से महज 40 विकेट चटकाए हैं। पंजाब की तरफ से डेब्यू करने वाले श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स और कोची टीम के लिए खेल चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।